गुजरात के सबसे ऊंचे पहाड़ वैसे गिरनार पर्वत की आरोहण की स्पर्धा का आयोजन करने के भागरूप लगातार पांचवें साल में भी जूनागढ़ के लाला भाई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गुजरात के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि गिरनार की आरोहण की स्पर्धा का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को चरितार्थ करने के लिए अखिल भारत गिरनार आरोहण स्पर्धा में जूनागढ़ के स्पर्धक ने लगातार पांचवें साल में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए मैदान मारा है। यहां पर 15वीं अखिल भारत गिरनार आरोहण स्पर्धा का आयोजन करते हुए जल्द सुबह 6 बजे भारत भर से आए हुए वैसे 600 स्पर्धकों के बीच गिरनार पर्वत को सर करने के लिए उनके द्वारा दौड़ लगाई गई थी, जो इस स्पर्धा में लगातार पांचवें साल में जूनागढ़ के लाला भाई परमार ने सीनियर कैटेगरी में विजय को प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जहां ये स्पर्धा में गुजरात के अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्र जिला से स्पर्धकों ने हिस्सा लेते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को चरितार्थ किया था। 5 वर्ष स्टेट और नेशनल में फर्स्ट आने आ वक्त फर्स्ट आयु नेशनल में आगे भविष्य में कोई स्पोर्ट लेवल आगे जवाब एथलेटिक में जूनागढ़ तो हमारी कश्मीर की तरह मिलता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की फिजाएँ, यहाँ का रहना सहना भी लगभग, तो हम खुश हुए और हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने बच्चे हैं वो भी वहाँ भी आए, वहाँ पर आए, देखें कश्मीर को जैसे हम आए, तो इसे आना जाना लगा रहेगा और हिंदुस्तान से हम जुड़े रहेंगे। इमरान अशरफ फ्रॉम कश्मीर उड़ीसा में, और यहाँ पे हमारे जो विनर हैं पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली जीत कर आते रहे हैं। बोलते हैं कि जो गले में डालते हैं उसे माला कहते हैं, जो गले में डालते हैं उसे माला कहते हैं। कंपटीशन करते थे यहाँ ऑल इंडिया से आ जाते हैं, पर जो जीतता है उसे लाला कहते हैं। हम जब भी पार्टिसिपेट करते हैं हारते नहीं, बोलेगा हारते कैसे नहीं है, तुम तो जीते नहीं। जीतने के बाद एक और स्टेप आता है, सीखते हैं हम सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। हारा वो है जिसका जमीर हारा है, और हम हारने वालों में से नहीं। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं आसमानों पे काली घटा छाई बहुत है, मैं शायर हूं मेरे लहजे में सिहाई बहुत है, और ये डर जाने की बातें बुजदल करता होगा, ऐसी कंपटीशन मेरी जिंदगी में आई बहुत है।